डिंडौरी में पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पटवारी संघ ने दी चेतावनी। डिंडौरी में पटवारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पटवारी संघ ने ज्ञापन सौंपते हुए पे ग्रेड बढ़ाने की मांग, समय मान वेतन मान लागू किए जाने, पदोन्नति भत्ते की बढ़ोतरी सहित अन्य मांग पटवारी संघ ने की है। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि पटवारी संघ की मांगें नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में कलमबंद हड़ताल किया जाएगा। भाई साहब, आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है? देखिए, आज जो हमारी पटवारी संघ की प्रदेश स्तरीय मांग ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सभी जगह ज्ञापन दिया जा रहा है, इसके बावजूद जो है अनदेखा किया जा रहा है। हमारी मांग केवल एक थी कि 2800 पे ग्रेड, जो कि विगत 2007 से चली आ रही है, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उस मांग को पूर्ण नहीं किया जा रहा। इसलिए जो है प्रदेश आह्वान किया है कि भाई हमारी मांग को जल्द से जल्द घोषित करें, जिससे हम अनदेखागिरी ना हो पाएं। यदि मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम पटवारी संघ का क्या रहेगा? देखिए, अभी तो हम ज्ञापन के माध्यम से 3 दिवस का अवकाश के लिए दिए हैं, और यदि मांगे पूर्ण नहीं किया जाता है तो हम कलमबंद हड़ताल हेतु बाध्य होंगे।